नमस्कार दोस्तों, YouTube की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आशीष कुमार के साथ अपना YouTube चैनल एबी टेक देख रहे हो। तो आज हम Facebook की बात करने वाले हैं कि Facebook पे ये लॉगिन अप्रूवल नीडेड क्यों मांगता है। मतलब ये होता है कभी आपका Facebook कोई पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है या फिर आप कोई गलत से मतलब कुछ भी कर लेते हो तो ऐसा आ जाता है। ये इंटरफेस आपको दिख जाता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको कंटिन्यू कर लेना है। आस्क योर फ्रेंड फॉर हेल्प, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको, मेनली चूज़ फ्रेंड फोटो, रीसेंट कमेंट वगैरह कुछ ऐसा, तो आपको पहले पे क्लिक कर लेना है। मेरे इसमें एक ही चलता है तो मैं इस पर ही क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने टेम्परेरी आईडी बनाई है आप लोगों को बताने के लिए कैसे ये वर्क करता है। तो अब हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें आपको तीन फ्रेंड की हेल्प की आवश्यकता होती है, तो आपको पांच ऐसे फ्रेंड बनाने ही पड़ते हैं फेसबुक पे जो आपकी पोस्ट पे लाइक कमेंट वगैरह करते हैं। तो देखिए, ऐसे मेरे पांच फ्रेंड यहाँ पे शो कर रहा है, ये जिनसे आप रेगुलर चैट करते हो या बात करते हो, कुछ भी मतलब कमेंट लाइक होता रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे URL दिख रहा है http://facebook.com/recover, तो इसको कॉपी करना है और अपने फ्रेंड को भेजना है जो इस लिस्ट में आपको सजेस्ट किए हुए हैं फेसबुक ने। जैसे ही आप इसको कॉपी करके इनबॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे किसी के माध्यम से आप उनको बताओ कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, या फिर आप उनको बोलो कि ये लिंक है जी, आप इस पे क्लिक करें। तो जैसे कि मैं इनको इनबॉक्स में भेज देता हूँ अपने किसी फ्रेंड को, तो मैंने जैसे ही भेज दिया है अपने फ्रेंड को, उसको मैं कहूँगा कि आप अपना पासवर्ड मतलब जो भी इसमें चार अंक का OTP है वो मुझे दोगे। तो चलिए, इसमें मेरी दो अपनी खुद की आईडी है, देखते हैं आपके फ्रेंड को क्या करना है। जैसे ही आपका फ्रेंड इस लिंक पे क्लिक करता है तो आपको गूगल क्रोम पे उसको मतलब अपनी आईडी ओपन करने को बोलनी होगी, या उसके फेसबुक से भी चल पड़ता है काम। तो यहाँ पे ब्राउज़र से कर देते हैं ओपन विद, और अपनी आईडी जो इसमें सजेस्ट की थी AB Tech, तो हमने वो खोल ली है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने को कहेगा। ये कह रहा है कि ये इस नाम की आईडी को आप रिकवर करवाना चाहते हो कि आपका फ्रेंड है, तो आपको इसको ओके कर देना है, कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि क्या इसके ओनर ने आपको कॉल किया था, टेक्स्ट किया था, जीमेल किया था, या फिर ये आप इसके ओनर को नहीं जानते। तो आपको फर्स्ट पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ इसको। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे OTP मिल जाएगा चार अंक का, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है कॉपी करके। आपको वहाँ पे तीन स्लॉट मिले होंगे, आपको इसको फर्स्ट स्लॉट पे डाल देना है। आप सेकंड में भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। 1, 2, 3, 4 लिखा है यहाँ पे, आपको इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही एक आपको OTP मिल गया है, फिर आपको दूसरे फ्रेंड के साथ भी सेम यही प्रोसेस करना है। तो देखिए, मैं अपने इस अकाउंट को स्विच कर लेता हूँ दूसरे अकाउंट के साथ। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आपको ये बहुत ही प्रॉब्लम आती है फेसबुक यूज़र को। तो मैंने इस प्रॉब्लम को खुद फेस किया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरह से करें। तो देखिए, मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, तो उसने मेरे को OTP दिया है, देखिए 1906। तो मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ। ये OTP ऐसा है कि वन टाइम ही मिलता है, तो इसके बाद आपको रिफ्रेश नहीं करना है स्क्रीन को। इसलिए आपको अब तीसरा OTP मिलेगा, तो आप तीसरे अकाउंट को ओपन कर लो या अपने फ्रेंड को बोल दो। देखिए, मैं इसको स्विच कर लेता हूँ। तो मैं अपने अकाउंट को स्विच कर लेता हूँ। सॉरी, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, परंतु मैं इसको ओपन कर लिया। देखिए, आशीष कुमार यूट्यूबर वाला अकाउंट मेरा ओपन हो गया है। तो मैंने इसको फिर से लिंक पे क्लिक करना है और दोबारा से इसको ओपन करना है, इसी अकाउंट को रिकवर लिंक को। तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, वैसे ही आपको सेम वही प्रोसेस करके आगे बढ़ना है। कंटिन्यू किया, फिर फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया कि इसने मुझे फ़ोन करके बताया है। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पे OTP आएगा, इसको कॉपी करना है। जैसे ही आप इसको कॉपी कर लोगे, वहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे वही डालना है। सिर्फ आपको ये प्रोसीजर तीन ही फ्रेंड के साथ करना है। तो देखिए, मेरे तीन स्लॉट पूरे भर चुके हैं। जैसे ही मैं इसको इसमें पेस्ट करता हूँ, वैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू कर दे। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू कर दोगे, वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी कंटिन्यू करने पे आपको दिखाता हूँ, देखिए यू ऑल आर सेट। तो देखिए, ये हो गया है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपकी आईडी ओपन हो चुकी है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी की मैं बात बताऊंगा कि आप अपने फ्रेंड वाली मतलब दूसरे फ़ोटो को चूज़ करके कमेंट देख के अपने को रिकवर कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे फेसबुक में अब कोई एरर शो नहीं हो रहा है, ना वो दोबारा से आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है। आपकी फेसबुक आईडी पूरी तरह खुल गई है बिना पासवर्ड के। मतलब पासवर्ड तो आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो वो आइडेंटिफिकेशन वाला पेज आपको ओपन नहीं होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसको ओपन कर सकते हो। फेसबुक से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाई है अलग अलग कंटेंट पे, तो आप उसको भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी दे सकते हो, अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और OTP और हैक्ड प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रुको जरा, सब्र करो। हेलो हेलो यार, मेरी ना आईडी ब्लॉक होगी तो तेरे पास एक OTP आएगा यार, देगा मेरे को प्लीज? नहीं भाई, मैं अपनी आईडी का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।